इसमें कौन सा वर्ड्स हो सकता है, कौन सा वर्ड्स हो सकता है, इसलिए बहुत मेहनत करने का बात ये वर्ड्स में लेके था। 5:30 लेकिन यहाँ से आधा घंटा एक घंटा हो चुका है यहाँ पे जाम पे, और हम लोग निकल चुका हूँ गाड़ी लेके और जाएंगे मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर कलकत्ता हावड़ा पे, हावड़ा नियरेस्ट हावड़ा पे होगा। और तातुन भाई गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे, मैं बोला तू मैं आज चलाऊँ और कलकत्ता जाकर पूरा हम लोग मिलजुल के चला लेंगे। और अभी हम लोग मेरे गाँव का अंदर हूँ, हम लोग निकले 3 बजे तक और हम लोग वहाँ 5:30 तक पहुँच जाएंगे। इतना इतना जल्दी भी जाना नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब सोच सकते हो मेरे घर से, यहाँ से उड़ीसा भी चला गया मेरे घर से। मैं आप लोगों के पास बता चुका हूँ, मेरा कोशिश यही है, मैं आप लोगों के पास बता चुका हूँ मेरे द्वारा आंखों में कुछ गिर गया तस्मुल को। ओ भाई साहब देखो देखो क्या गिरा, देखो इतना बड़ा कोई कीड़ा वगैरह था और दिक्कत हो रहा है। ओके शीशा शीशा निकल, हाँ नीचे उतारो भाई, फिट है ना, शाबाश। पहुंचने वाला था 5:30 लेकिन यहाँ से आधा घंटा एक घंटा हो चुका है यहाँ पे जाम पे, और इतना जाम लगा ना गाड़ी क्या बोले। यहाँ पे एक बाजार लगता है, सब्जी का बाजार, सब्जी का मंडी, मंडी है सब्जी का, एक मंडी है देखिए। और ये मंडी लगने का कारण रास्ते के ऊपर गाड़ी लगा दिया, ये तो ठीक नहीं है, ये गलत चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेरे वहाँ पे भी सब्जी जाता है, इस मंडी से हम लोगों के पास सब्जी जाता है। तो इतना जाम लगा ना, आधा घंटा हो चुका है फिर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जा रहा है भाई। देखते हैं कि हम लोग आ गया कलकत्ता में, मतलब पाक्सरगंज में आ गया, पाक्सरगंज। हम लोग अभी पहुंच चुका हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास, इस साइड हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा रेलवे स्टेशन और तस्मुल भी इधर हावड़ा ब्रिज। और फाइनली गाइस मैं ले लिया, काफी टाइम लग चुके, कम से कम 4 घंटे लग चुके, रास्ता में इतना जाम था क्या बोले। और दोस्तों तासुन भाई का वहाँ उतर दिया, बोला तुम जाओ वहाँ, और मैं वहाँ से आ गया। और इसमें है सपना पूरा हुआ मेरा, एक गेस्ट करो क्या हो सकता है। तो मैं दिखा देना चाहूँगा, पहले अंदर लेके जाएंगे अगर बाद में, और इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या है। और एक सपना पूरा बोल सकते हो, और ये जो है, ये जो बर्ड्स है एकदम फुल टेप टॉपिंग भी करते हैं,
फुल टाइम टॉकिंग भी करता है, उसको इस वीडियो के अंदर मैं दिखा दूंगा। अरे एकदम फुल टॉकिंग करता है, अपने बच्चे मिट्टू बोलता है, कुछ मिट्टू बोलता है, सीटी मारता है, मतलब फुल टाइम जिसको बोलता है फुल टाइम फुल टॉकिंग वाला है। और एक टेम भी है लेकिन इसका अच्छा टेम नहीं है और टॉकिंग नहीं करता है, लेकिन ये टॉकिंग मतलब इसको मुझे नहीं चाहिए, जो टॉकिंग करता है ना वो जरूर रखेंगे। आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट करके बोल दीजिए। मेरा जो नया फॉर्म तैयार हो रहा है वो आपको हर वैरायटीज का बाढ़ चलाएगा, हर वैरायटीज का तरह यहाँ रखेंगे दोनों को। मैं धीरे धीरे जो फॉर्म तैयार कर रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बोल दीजिए। इसलिए आप सभी का कमेंट देख के मैं मतलब खुशी होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये बात आप सभी को जाओ जाओ अंदर जाओ। देखो ये सारा बाज को मैं अभी कुछ पानी वगैरह नहीं देंगे, अभी देंगे ये सारा दाना वगैरह देंगे सुबह खाने के लिए, लेकिन कल सुबह 8-9 बजे के अंदर जैसे मैं पानी वगैरह प्रोवाइड करता हूँ वो पानी में प्रोवाइड कर देंगे। दिखा देना चाहूँगा और ये बर्ड्स को देखो, अभी इसको उम्र है अभी 10 महीना उम्र है और एक का 9 महीना 10 महीना होगा, मतलब एक साल पकड़ के चलो उम्र हो चुके हैं, ठीक है। अभी तो फुल टाइम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आना, वीडियो बना के शेयर करेंगे नेक्स्ट। वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बोल दीजिए। तो गाइस आज के वीडियो में नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।